24 घंटे में ही कांग्रेस के वोट कटवा नेता विनर बन गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस के कमजोर उम्मीदवार वाले बयान पर यू टर्न ले लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस मजबूती से बीजेपी से लड़ रही है और इससे बीजेपी को ही नुकसान होगा। कल उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हल्के हैं वो बीजेपी के ही वोट काटेंगे। ये बहुत स्पष्ट है कि जहां हमारे उम्मीदवार अच्छा लड़ रहे हैं वहां और जहां मजबूत है वहां कांग्रेस जीतेगी, जहां हमारे उम्मीदवार थोड़े से हल्के हैं वहां पे हमने ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बीजेपी का वोट काटे। हमने खास तौर से ये ध्यान दिया है कि हम कहीं किसी भी तरह से बीजेपी की मदद ना करें, हम मजबूती से लड़ रहे हैं, हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं और हमारे साथ हमारी विचारधारा के साथ जितनी भी विचारधाराएं हमारे पक्ष में हैं हमारे साथ हैं, हम इकट्ठे बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को आखिर 24 घंटे में अपना बयान क्यों बदलना पड़ा, इसके पीछे की बड़ी वजह अखिलेश यादव और मायावती हैं। प्रियंका के वोट कटवा वाले बयान पर दोनों नेताओं ने आखिर क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी। इससे तो हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, मायावती जी का चुनाव चिन्ह हाथी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंट्रोल करने की बात नहीं हो सकती राजनीति में। कांग्रेस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो जितने भी डराने वाली संस्थाएं थी, ये सब सीखा होगा बीजेपी ने कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस यही काम करती थी। तब तो कांग्रेस पार्टी भी यहाँ एसपी व बीएसपी के बने गठबंधन के बारे में बीजेपी की तरह ही अनाप शनाप भाषा बोलने लगी है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों पार्टियां अंदर अंदर हमारे गठबंधन के खिलाफ एक होकर वे आपस में मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़े हैं।